गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड आई एम टीचिंग बायोलॉजी हियर। एज़ यू नो, टुडे इज़ 22 अप्रैल एंड टुडे इज़ द वर्ल्ड अर्थ डे। सो इट इज़ आवर ड्यूटी हाउ वी कैन जस्ट सस्टेन द रिसोर्सेज, हाउ कैन वी जस्ट सेव द अर्थ फ्रॉम दिस प्रेजेंट सिनेरियो। क्लियर? तो ईच एंड एवरी इज रिस्पॉन्सिबल। इट इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ ओनली वन ग्रुप और वन दैट वी कैन से वन इंडिविजुअल। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ओवरऑल और ऑल द पर्सन। ओके, तो द यूथ पार्टिसिपेट मोस्ट इन एनी एक्टिविटी। दैट्स वाई वी आर द यूथ, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन दिस सिस्टम। सो टूडे इज़ द वर्ल्ड अर्थ डे। जस्ट प्लेज एनी थिंग के हाउ यू आर गोइंग टू सेव द अर्थ और आवर एनवायरमेंट। क्लियर? विद दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू एन्जॉय द सब्जेक्ट। आर यू एन्जॉइंग द सब्जेक्ट और नॉट? टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स दैट येस सर, आई एम एन्जॉइंग द सब्जेक्ट। एंड दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी मोस्टली अबाउट आवर सराउंडिंग्स एंड अबाउट आवर सेल्फ। कि हाउ वी डाइजेशन टेक प्लेस, हाउ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस, हाउ द ऑर्गेनिज्म मूव एंड ऑल। क्लियर? तो वी विल स्टार्ट द सेशन, बट बिफोर दैट एज यूजल एज एवरी डे आई जस्ट ब्रिंग दीज लाइन्स फॉर यू, सो दैट यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ, द कॉन्फिडेंस लेवल कैन बी हाई एंड योर एनर्जी, यू शुड बी एनर्जेटिक बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, यू शुड बी एनर्जेटिक। तो इसीलिए मैंने ये लाइन लगाई यहाँ पर। आपका असली मुकाबला खुद से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं, जैसे अगर आप इस समय देखो तो आपका कोई इस समय घर पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है? कोई किसी से टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई इस तरह से रैंकिंग नहीं निकल रही है। ठीक है? तो आपको ये नहीं पता लग पा रहा है वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो आप अपने आप को कैसे एनालाइज़ करोगे? अपने खुद से अपने आप से एनालाइज़ करोगे कि कल आपको क्या नॉलेज थी, कल आपका कॉन्फिडेंस लेवल किसी सब्जेक्ट को लेके क्या था। जैसे जब आपने यूट्यूब पे मेरी क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट किया तो आपको तब बायोलॉजी के बारे में क्या था। ठीक है? बायोलॉजी को आप क्या मानते थे कि ये बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, क्या है? उसके नेक्स्ट डे जब आप क्लास लेने लगे, जब आप मेहनत करने लगे, तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहे? आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो यह आपका सबसे बड़ी जीत है। तो ये मतलब इसका मतलब है कि आप एक राइट पाथ पे हो, एक सही पाथ पे हो और कन्फर्म है, श्योर है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है? तो विद दिस मोटिवेशनल कोट लेट्स स्टार्ट द सेशन। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द लास्ट टॉपिक वाज दैट आई टोल्ड यू अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाउ द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम टेक प्ले, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई दे डोंट हैव द स्पेसिफिक टिश्यू एंड द ऑर्गन। सो वेन एवर दे शो द न्यूट्रिशन, दे शो द विद द हेल्प ऑफ द सीडोपोडिया लाइक एज एन अमीबा, विद द हेल्प ऑफ द सिलिया लाइक एज इन द पैरामीशियम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। यस्टरडे आई इंट्रोड्यूस यू दैट वट इज़ डाइजेशन। क्लियर? इन द यस्टरडे क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द डाइजेशन। वट इज़ डाइजेशन? दैट ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इन टू द सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। वट इज़ द नीड ऑफ डाइजेशन? इफ़ यू सी वट इज़ द नीड ऑफ डाइजेशन, देन यू विल गेट टू नो दैट आवर सेल्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड लाइक एज वी ईट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ठीक है? और स्टार्च खाते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। ठीक है? या प्रोटीन खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाई आवर सेल, हमारी सेल जो है वो इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लेकिन अगर ग्लूकोज किसी तरह से अगर ग्लूकोज बन जाए तो द ग्लूकोज कैन बी एब्जॉर्ब बाई आवर सेल्स, हमारी जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इसका मतलब है कि सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज होने का क्या ऑब्जेक्टिव है? सो दैट द एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक वो उसको ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है? फॉर द डाइजेशन वी आर हैविंग डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे बॉडी में हर एक स्पेसिफिक टिश्यूज़ का अलग अलग रोल है, अलग अलग ऑर्गन के लिए का अलग अलग स्पेसिफिक रोल है। तो वी आर हैविंग डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड तो यहाँ पे दो ही होंगे, लीवर एंड पेंक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। एक ग्लैंड में भूल गया यहाँ पे, दैट इज़ आल्सो सलाइवरी ग्लैंड। तो कितनी ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड में, कितनी ग्लैंड आ रही हैं? लीवर आ रहा है, पेंक्रियाज आ रहा है और थर्ड वन कौन सी आ रही है? सलाइवरी ग्लैंड। बट एक्सेप्ट ऑफ दीज, इनके अलावा भी कुछ ऐसी भी ग्लैंड्स हैं, दोज आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। ओके? बट एक्चुअली में दे आर नॉट डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक्चुअल अगर उनकी बात करें तो दे आर नॉट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो वी कैन नॉट कंसीडर देम डाइजेस्टिव ग्लैंड, बट दे पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन, दे आल्सो सेक्रेट एंजाइम्स।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर दैट दे सेक्रीट व्हाट एंजाइम्स एंड एंजाइम्स एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट विच हेल्प इन द डाइजेशन. तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. लेट्स सी लाइक एज द फर्स्ट पार्ट यू कैन सी द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड टिल द एनस. क्लियर. तो वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द माउथ टिल द एनस एंड फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग माउथ. लेट्स सी दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द होल पार्ट इन द माउथ. यू कैन सी द जॉ बोन इज देयर एंड यू नो दैट वी आर हैविंग टू जॉ अपर जॉ एंड द लोअर जॉ. विच जॉ वी कैन मूव. वी कैन मूव ओनली लोअर जॉ नॉट द अपर जॉ. क्लियर. वी कैन मूव ओनली लोअर जॉ एंड दैट हेल्प इन द च्यूइंग द फूड. दैट्स वाई वी आर एबल टू च्यूइंग द फूड प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ द टीथ. क्लियर. सो इन द माउथ द नेक्स्ट पार्ट वॉट इज दैट. दैट इज टीथ्स आर प्रेजेंट. डिफरेंट टीथ्स आर प्रेजेंट. दोज हेल्प इन द च्यूइंग द फूड. देन नेक्स्ट पार्ट दैट इज टंग इज प्रेजेंट. यू नो दैट टंग फैसिलिटेट अस टू फील द टेस्ट ऑफ एनी फूड. क्लियर. वेन द मिक्सिंग ऑफ द फूड टेक प्लेस द टंग ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस. देन यू कैन सी इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड यू जस्ट वाइड योर माउथ. अपने माउथ अगर ओपन करके आप देखो तो यू विल हैव द यू विल लुक लाइक अ हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज अल्वा. क्लियर. एंड आफ्टर दैट यू विल हैव वन स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज फेरिंग्स. दिस पार्ट यू कैन नॉट ऑब्जर्व बट यू कैन फील लाइक एज वेन एवर यू आर इनहेलिंग द एयर और यू आर इनजेस्टिंग द फूड. वेन यू आर इनटेकिंग द फूड यू कैन ऑब्जर्व दैट द फूड पासिस टू अ पैसेज दैट इज़ नोन एज वॉट Pharynx and air also pass from this common passage. So we can say the pharynx is a common passage for the food as well as the air. So this is a common passage for the food and the air. Clear? So how can you say that pharynx is a common passage? Suppose one day it happens a lot when you are eating the food or drinking the water. Sometime you laugh. कभी कभी आप हंस देते हैं या जल्दी में पानी पी रहे होते हो. तो एट दैट टाइम क्या होता है कि जो वाटर कम्स आउट और वाटर आपके नोज से भी बाहर आ जाता है. ऐसा भी होता है. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है ना, वाटर और फूड है, वो एक कॉमन पैसेज के साथ जा रहा था. आप देख रहे हो जो नेसल पैसेज है वो भी फेरिंग्स में आगे जाके मिल रहा है और जो ओरल कैविटी है उसमें जो फूड है वो भी आगे जाके फेरिंग्स से मिल रही है. ठीक है. और ये फेरिंग से ही दो पाइप डिवाइड हो जाती हैं. फेरिंग्स के बाद दो पाइप डिवाइड हो जाती हैं. जो सबसे आगे की तरफ पाइप हो, अगर आप टेबल पे बैठे हैं और अपने हैंड को आप नेक की तरफ लेके जाइए, एक एक्टिविटी करिए, अपने हाथ को अपने नेक के पास लेके जाइए. ठीक है. जो आपके नेक पे सबसे पहला पार्ट आपको फील हो रहा है अपने पाम से, आप अपने हाथ से उसको टच करिए, तो जो पहला पार्ट आपको फील हो रहा है वो विंड पाइप है. मतलब सबसे आगे की तरफ जो है कौन सी पाइप होती है? विंड पाइप होती है. ठीक है. और उसी के पीछे क्या होती है? फूड पाइप होती है. तो फूड पाइप को आप फील नहीं कर सकते, मतलब अपने हैंड से आप फील नहीं कर सकते, केवल जब फूड खाते होगे तो लगता होगा. समझ में आया? लेकिन जो सबसे आगे की तरफ है विंड पाइप, ठीक है, उसको आप फील कर सकते हो. क्लियर है. अब देखो जब विंड पाइप में फूड जाता है, अब ज़रा एक और एक्टिविटी करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा. ठीक है. बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा. नाउ स्वेलो समथिंग. अगर आपकी टेबल पे कुछ रखा हुआ है तो ज़रा उसको खाइए और उसको स्वेलो करिए. अगर कुछ नहीं है तो ऐसे ही फाल स्वेलो करिए कि कर लिया होगा स्वेलो. स्वेलो जब करते हो तो आपको लगता है कि कोई पार्ट आपके नेक में ऐसा है जो आगे की तरफ आ रहा है. फिर से फील करिए इसको, आगे की तरफ आया कि नहीं आया. ये पार्ट जो होता है वो क्या होता है? ईपी ग्लॉटिस होता है. ये ईपी ग्लॉटिस जो होता है वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग. जब भी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी मील को, वाटर को स्वेलो करते हो, घूटते हो, तो ऐसे टाइम में विंड पाइप क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है. अगर विंड पाइप क्लोज ना हो तो वो फूड या वाटर कहाँ पे चला जाए? विंड पाइप के थ्रू लंग्स में चला जाएगा और किसी भी पर्सन की ऐसी कंडीशन में या तो डेथ हो जाएगी या तो उसको इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं. क्लियर है. इसीलिए एपिग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसीलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप जब भी खाना खाइए तो उस टाइम बोलिए नहीं. ठीक है. बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करिए, बहुत आराम से, बहुत ईजी होके, बहुत कम्फर्टेबल होके आप फूड को खाइए. ठीक है. इसीलिए आपको ये एडवाइस दी जाती है. क्लियर है. तो बायोलॉजिकली आपको फील करके भी आ गया हाँ एपिग्लॉटिस का क्या रोल होता होगा. अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच पार्ट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इन द विंड पाइप, तो दैट विल बी एपिग्लॉटिस. क्लियर हो गया. अब देखो एपिग्लॉटिस के बाद जो फूड है वो ईसोफेगस में आ जाएगा. अब ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज अ
मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ माउथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे माउथ में क्या होता है, टीथ होता है। कितने टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला भी होता है, ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123। ठीक है, 2123/2123 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे दो इंसीजर है। ठीक है, यहाँ पे दो का मतलब है कि दो इंसीजर है, एक कैनाइन है, दो क्या है प्रीमोलर है और तीन क्या है मोलर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई जॉ है, सपोज़ अगर कोई जॉ है, ये जॉ है, ठीक है, ये इस तरह से जॉ हो गया। अगर ये हाफ पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे 2123 ऊपर की साइड है और नीचे की भी साइड कितने हैं, 2123। दो क्या है इंसीजर है, वन क्या है कैनाइन है, टू क्या है प्रीमोलर है और थ्री क्या है मोलर है, और नीचे की भी साइड वही है। तो अगर आप इसको काउंट करो तो ये आएगा 16। इसको मल्टीप्लाई कर दो अगर 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितने टीथ हो जाएंगे, दैट विल कम 32। कितने टीथ हो गए टोटल, 32 टीथ हो गए। तो इस तरह से हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ्स होते हैं। क्लियर है? अब देखो जो इंसीजर है उसको बोलते हैं बाइटिंग टीथ। ठीक है, जब भी आप कोई ब्रेड की स्लाइस लेते हो तो इसी टीथ से आप बाइट करते हो, आगे की तरफ होता है। फिर कैनाइन होता है, टीयरिंग टीथ होता है, ठीक है, साइड में होता है। जब भी आप टॉफी का रैपर कोई लेते होगे तो इसी कैनाइन टीथ से उसको टीयर करते हो। ठीक है, उसके बाद प्रीमोलर आगे की तरफ होता है, ठीक है, ये क्रश करने में हेल्प करता है। और जो मोलर है वो च्युइंगिंग में हेल्प करता है, मतलब जो ग्राइंडिंग है फूड की प्रॉपर, वो मोलर करता है, पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। और मैंने आपको ह्यूमन का डेंटल फार्मूला भी बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, नाउ कम टू द टंग। अब देखो टंग का क्या क्या रोल है। एक तो टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, अगर आप टंग पे देखो तो टंग पे ऐसे ऐसे कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम टेस्ट बड्स बुलाते हैं। ठीक है, इन टेस्ट बड्स का क्या रोल है, आपने देखा ही होगा कि टंग पे जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं तो हमें क्या फील आता है, टेस्ट का फील आता है कि वो सोर है, बिटर है, स्वीट है कि सॉल्टी है। ठीक है, ये हमें कैसे फील होता है, बिकॉज ऑफ द टेस्ट बड्स, क्योंकि ये जो टेस्ट बड्स होते हैं इसमें न्यूरॉन लगी होती हैं, नर्व सेल लगी होती हैं, और ये न्यूरॉन या नर्व सेल कहाँ जाती हैं, ब्रेन को जाती हैं, और तब हमें फील होता है कि हमने किस टेस्ट का फूड हम खा रहे हैं। ठीक है, कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कॉफ़ी पी होगी या चाय पी होगी और आपकी टंग जो है, आप बोलते हो टंग जल गई, एक्चुअली वो जो टेस्ट बड्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा सही से टेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपने एक बार और फील किया होगा कि जब आपको कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम होता है, जिस टाइम आपकी नाक बंद होती है, उस टाइम भी आपको फूड का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, फूड का टेस्ट प्रॉपर नहीं आता। क्योंकि अगर आप एक एक्टिविटी करके देखो अपने घर पे कि यू जस्ट टेस्ट द सुगर, आप अपने माउथ में कुछ सुगर के टीस्पून, एक टीस्पून जो है सुगर डाल दो, चीनी डाल लो, उसका टेस्ट देखो, आपको टेस्ट पता लग जाएगा। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद, 15-20 मिनट के बाद आप क्या करोगे, आप अपनी नोज़ को क्लोज़ कर लो। नोज़ को क्लोज़ करने के बाद फिर से अगर उस सुगर का टेस्ट करोगे तो यू विल फील द डिफरेंट टेस्ट। आज ये करके देखना एंड यू विल डेफिनेटली यू विल फाइंड द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द सुगर। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से टंग का क्या रोल है, टंग का मेन रोल क्या है, दैट इट हैज़ टेस्ट बड्स। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ द फूड, वेन एवर वी च्यूइंग द फूड तो टंग हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड इट आल्सो हेल्प इन द स्पीकिंग। हमें कोई भी चीज़ बोलनी होती है, ठीक है, स्पीच या वॉइस हमारे माउथ से जो निकलती है उसमें टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से टीथ और टंग के बारे में हो गया। नाउ कम टू द सलाइवरी ग्लैंड। इन द माउथ विच ग्लैंड इज प्रेजेंट, सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। सलाइवरी ग्लैंड इज ऑफ 3 पेयर, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, नोट कर लेना, सलाइवरी ग्लैंड कितनी पेयर होती हैं, 3 पेयर होती हैं। देखो कहाँ कहाँ पे होती हैं, जो पहला पेयर होती है, ठीक है, वो लोअर जॉ पे होता है, आपके लोअर जॉ में एक पेयर लोअर जॉ में लगा होता है, नोट कर लो। ठीक है, जो सेकंड पेयर है, जो सेकंड पेयर है वो बिलो द टंग होती है, बिलो द टंग, बिलो टंग, उसको भी नोट कर लो। ठीक है, तो दो पेयर हो गए। जो थर्ड पेयर होती है दैट इज़ प्रेजेंट इन द चीक्स, वो चीक्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कितनी पेयर सलाइवरी ग्लैंड होगी, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होगी। और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करती हैं। हाउ कैन यू फील, जैसे इस टाइम अगर आप बैठ कर स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम पता लगा मम्मी ने कुछ अच्छा सा कोई रेसिपी बनाई है, कोई बढ़िया सा आपके लिए फूड तैयार कर रहे हैं, और आपको पता लग गया, उसकी स्मेल आ गई या आपने उसके बारे में सोच लिया, तो आपके माउथ में वाटर आ जाता है। ठीक है, आपका माउथ वाटर से भर जाता है, तो एक्चुअली वो सलाइवा सेक्रेट हो रही है।
सलाइवा का सेक्रीशन का मतलब है कि स्टमक को भी पता लग गया कि अब फूड आने वाला है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कभी आप फूड को देखते नहीं हो, केवल सोच लेते हो या उसकी स्मेल आ जाती है, तब भी आपके माउथ में सलाइवा का सेक्रीशन होने लगता है। वैसे तो हमारा माउथ वेट होता है, लेकिन पूरी तरह से वेट तब होता है जब हमारे माउथ में क्या आ जाती है, सलाइवा आ जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड मोस्ट मेनली क्या सेक्रीट करती है, सलाइवा सेक्रीट करती है। अब देखो सलाइवा में एक होता है म्यूकस, म्यूकस मतलब वाटरी फ्लूइड। जहाँ पे भी म्यूकस वर्ड आ जाए, वैसे तो म्यूकस हमारे मोस्टली ऑर्गन्स में सेक्रीशन होता है, जैसे नोज़ में म्यूकस का सेक्रीशन होता है। नोज़ जो है आगे की तरफ मतलब अंदर की तरफ वेट होती है, बाहर की तरफ भले ही थोड़ी बहुत ड्राई रहे लेकिन अंदर की तरफ वेट रहती है, जिससे डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाए। सेम एज हमारा माउथ भी हमेशा वेट रहता है, जिससे कोई भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना एंटर करने पाए। ठीक है, तो म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। तो म्यूकस का मेनली जो है वाटरी फ्लूड होता है, और तुम्हें पता है जो अगर हमारे माउथ में जब भी कोई फूड हम खाते हैं तो दैट बिकम वेट, वो वेट हो जाता है। अगर वो फूड वेट ना हो तो क्या होगा, उसकी स्वेलोइंग नहीं हो पाएगी। जैसे व्हेन यू ईट पंजीरी, जब आपने पंजीरी खाई होगी तो ये चीज़ फील किया होगा कि जब हम पंजीरी खाते हैं तो बहुत ड्राई होती है, उसको काफ़ी टाइम लगता है हमें स्वेलो करने में। क्यों? क्योंकि उसको वेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ऐसा आपने फील किया होगा कंफर्म, पंजीरी जब आपने खाई होगी। ठीक है, तो फूड जब तक प्रॉपरली वेट नहीं हो जाता तब तक वो स्वेलो नहीं हो सकता प्रॉपर। ठीक है, तो म्यूकस का जो मेन रोल है दैट व्हाट लुब्रिकेट द फूड, बट इट आल्सो ट्रैप द माइक्रोब, या माइक्रोब को भी ट्रैप कर सकता है, डस्ट पार्टिकल को भी क्या करता है, ट्रैप करता है। नाउ कम टू द एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा में जो एंजाइम सेक्रीट होता है उसको एमाइलेज बोलते हैं। आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये जब तक आप बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक काम आएगी। मोस्टली जिस वर्ड के लास्ट में एज लगा हो, जैसे यहाँ पे देखो एमाइलेज एज लगा हुआ है, एज जहाँ पे भी लग गया है जो जान लो वो एंजाइम है। अगर आपको कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप चले जाओ, कोई एंजाइम आपको आइडेंटिफाई करना है और आप कन्फ्यूज़ हो गए, तो मोस्टली मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा यही सही है, अगर एज लगा हुआ है लास्ट में तो जान लेना वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, जैसे सलाइवरी एमाइलेज भी क्या है, एंजाइम है। और देखो एंजाइम का एक मेन रोल होगा दैट विल हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, वो फूड को क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, अब देखो कौन से फूड को ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि एंजाइम्स स्पेसिफिक होती हैं, जैसे ताला और चाबी, लॉक एंड की। कोई की है तो एक, ये तो है नहीं कि कोई भी की से कोई भी लॉक खोल लोगे, नहीं ना। तो हम जैसे लॉक के लिए की जो है स्पेसिफिक है, ऐसे ही फूड कंपोनेंट के लिए भी एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक है। जैसे यहाँ पे लॉक को, स्टार्च को मान लो लॉक है, ये क्या है, लॉक है। ठीक है, और एमाइलेज को मान लो ये क्या है, की है। वेब सीरीज़ भी एक है लॉक एंड की, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च क्या है, लॉक है, और एमाइलेज क्या है, की, मतलब एंजाइम है। अब स्टार्च जो है वो किससे खुल सकता है, मतलब किससे ब्रेक डाउन हो सकता है, एमाइलेज से ही ब्रेक डाउन हो सकता है, और कोई एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर सकता। समझ में आई बात? ठीक है, अब इस तरह से जब इसको ब्रेक करेगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, माल्टोज में। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वेयर डज द डायजेशन स्टार्ट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, तो इट स्टार्ट इन द माउथ, ये माउथ में ही डायजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज स्टार्च डाइजेस्टेड इनटू द माल्टोज, स्टार्च का डायजेशन किस में होने लगता है, माल्टोज में होने लगता है। स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, पॉली, देखो यहाँ पे फिर से एनालिटिकल मीनिंग है, बायोलॉजी बहुत ईजी है। पॉली मतलब चेन, कोई भी कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स उनके कई सारी चेन हो गई तो उसको बोलते हैं पॉली, मोर देन वन। सेकेराइड जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सुगर, तो ये सुगर की चेन है, कई कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। और जो माल्टोज है ना वो डाई सेकेराइड है, डाई सेकेराइड है। ठीक है, अब देखो पॉलीसेकेराइड किस में चेंज हुआ, डाई सेकेराइड में, तो ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, यस। आप एक और एक्टिविटी आज अपने घर पे करके देखना, आप केवल चपाती खाना, चपाती मतलब रोटी, ठीक है, और उसके साथ कुछ मत खाना, और उसको फील करना, आपको लगेगा कि जो चपाती केवल आप सिंगल मतलब केवल इंडिविजुअल चपाती खा रहे हो तो आपको हल्की सी चपाती मीठी लगने लगती है। क्यों मीठी लगती है, क्योंकि चपाती में क्या है, स्टार्च है, और जब वो ब्रेकडाउन होता है माल्टोज में तो हमें उसकी फीलिंग मतलब उसका टेस्ट फील होता है। मतलब माल्टोज जो है वो ज़्यादा स्वीटर है किससे, स्टार्च से। क्लियर है, समझ में आ गया? उसके बाद फेरिंग्स का मैंने बता ही दिया कि फेरिंग्स का क्या रोल होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना हो। मुझे लाइक बटन से ही पता लग जाता है कि आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मैं डाउट सेशन भी लेके आऊँगा इस लेसन का, और उसमें वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। देखो, व्हेन द फेरिंग्स फ्रॉम द फेरिंग्स विच पाइप इज़ कनेक्टेड ईसोफेगस। कहीं कहीं पे ईसोफेगस की स्पेलिंग ऐसे भी लिखी होगी, दैट इज़ आल्सो राइट। अगर आप ये भी स्पेलिंग लिखते हो तो ये भी स्पेलिंग सही है, करेक्ट है, ये भी स्पेलिंग सही है, ये भी स्पेलिंग सही है, और प्रोनंसिएशन भी ईसोफेगस ही बोलते हैं, वो साइलेंट होता है, क्लियर है? ठीक है, तो ईसोफेगस है क्या? फूड पाइप है, ये एक पाइप है, ये दिस पार्ट ओनली पास डाउन द फूड, ये फूड को पास कर देता है स्टमक को। ठीक है, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द माउथ एंड द स्टमक, स्टमक और माउथ के बीच में एक पाइप है, कनेक्टिव पाइप है। ठीक है, बट दिस पाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कभी व्हेन यू ड्रिंक कोल्ड वाटर, जब आपने ठंडा पानी पीते हो तो आपको फील होता है कि समथिंग इज़ गोइंग डाउन, आपके चेस्ट कैविटी को क्रॉस करके कुछ अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। या आपने कभी भी बहुत बड़ी बाइट अगर आपने ले ली, जैसे बर्गर खाते हो तो बहुत बड़ी बाइट अगर आप कट कर लेते हो, तो उस टाइम जो मतलब जो पोर्शन होता है फूड का वो काफ़ी बड़ा होता है, उस टाइम भी आपको फील होता होगा कि समथिंग इज़ क्रॉसिंग योर चेस्ट कैविटी। तो वो किसके थ्रू होके जा रहा है? ईसोफेगस के थ्रू होके जा रहा है। ईसोफेगस एक मस्कुलर पार्ट होता है जिसमें मस्कुलर मूवमेंट होती है। ठीक है, और दिस मस्कुलर मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पुश डाउन द फूड। ये जैसे फूड यहाँ पे, ये फूड है, ठीक है, अब ये मस्कुलर पार्ट क्या कर रहा है? फूड को पुश डाउन कर रहा है, फूड यहाँ पे आ गया, फिर ये मस्कुलर पार्ट फूड को पुश करेगा तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरह से पुश डाउन करते करते फूड कहाँ पे पहुँच जाएगा? स्टमक में पहुँच जाएगा, क्लियर है? और वंस अ फूड रीच इन द स्टमक इट कैन नॉट बी बैक फ्लो, मतलब इसका बैक फ्लो नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता। जैसे आप ये नहीं कर सकते कि आज पनीर नहीं खाई, चलो आज आलू खाया तो उसको स्टमक से निकाल के ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है? लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो, वेन एवर वन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ज्वाइन विद द अनदर पार्ट, जैसे ये ईसोफेगस है, इस ज्वाइन किसको कर रहा है? स्टमक को ज्वाइन कर रहा है। देर विल बी अ टिश्यू, यहाँ पे एक टिश्यू लगा होगा जिसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर। यहाँ पे सी साइलेंट होता है इसीलिए इसका प्रोनाउंस करते हैं इसको स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होती है? मसल्स होती हैं। दीज मसल प्रिवेंट द बैक फ्लो, ये बैक फ्लो को बचाती है, मतलब एक बार अगर फूड स्टमक में आ गया, इट कैन नॉट बैक फ्लो टू द, मतलब इट कैन नॉट बी रिवर्स टू द ईसोफेगस। ठीक है, अब एक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब वॉमिटिंग होती है तब तो ऐसा होता है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तब भी ऐसा होता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा मतलब आपकी मील बहुत हैवी हो गई और आप उसके बाद लेट गए, ठीक है, यू आर लाइंग ऑन द बेड, तो ऐसी कंडीशन आती है कि कभी कभी आप फील करते हो कि आपका जो गला है मतलब आपके माउथ तक फूड आ गया है, ऐसा फील होता है, वाटर आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो स्फिंक्टर है दैट प्रोवाइड द बैक फ्लो इन सर्टेन कंडीशन, हमेशा नहीं प्रोवाइड कराता, एट सर्टेन कंडीशन द स्फिंक्टर कैन ओपन। ठीक है, हमारे बॉडी में देखो दो टाइप के टिश्यू होते हैं जो चीज़ों को बैक फ्लो होने से रोकते हैं, एक तो स्फिंक्टर बताया और दूसरा होती है वॉल्व, हार्ट में भी होती हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी होती हैं, मैं बताऊंगा कहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो वॉल्व कभी भी बैक फ्लो नहीं प्रोवाइड करा सकती किसी भी कंडीशन में, मतलब एक बार अगर कोई भी मटेरियल अगर आगे की तरफ चला गया, फॉरवर्ड चला गया, तो वो कभी बैकवर्ड नहीं आ सकता, वॉल्व कन्फर्म है, आप मतलब एश्योर कर सकते हो इस पार्ट के लिए। लेकिन अगर स्फिंक्टर है तो स्फिंक्टर प्रोवाइड द बैक फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस एट सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ पे वो बैक फ्लो को प्रोवाइड कराएगा, अदरवाइज वो बैक फ्लो प्रोवाइड नहीं कराएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दैट बैक फ्लो, जो वो बैक फ्लो होगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे वोमिटिंग, वोमिटिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, आप ये थोड़ा ना अगर आप जैसे बैठे हो तो अचानक सोचो कि हमें वोमिटिंग हो जाए, हम स्कूल से छुट्टी मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उसके लिए अब आप कहोगे नहीं सर हम कुछ ऐसा कर लेंगे, अपने माउथ में कुछ ऐसा कर लेंगे वोमिटिंग, तो आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो, लेकिन वो खुद से वोमिटिंग नहीं आ रही है, आपके सोचने से वोमिटिंग नहीं आ रही है, समझ में आया? ठीक है, तो जब आप उस पार्ट को जब स्टिमुलेट करेंगे, जब हमारा स्टमक स्टिमुलेट होगा, जब हमारी ईसोफेगस स्टिमुलेट होगी, तभी ऐसी कंडीशन आती है, खुद से नहीं आती, क्लियर है?
ठीक है। तो इस तरह से ईसोफेगस क्लियर हो गया कि ईसोफेगस में एक मस्कुलर मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसकी जिसकी हेल्प से जो फूड होता है दैट पुश डाउन इन द स्टमक, वो फूड कहाँ पे आ जाता है, स्टमक में आ जाता है, क्लियर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टमक के बारे में, स्टमक के बारे में देखते हैं कि स्टमक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टमक जो है दैट इज़ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो स्टमक है मैं एक ब्लैंक, ठीक है, ये ईसोफेगस था, ईसोफेगस ने स्टमक को ज्वाइन किया। जब भी आपके घर में किसी को एसिडिटी होती होगी तो जब भी उसको कोई एंटा एसिड देते हैं, मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए कोई मेडिसिन देते हैं, तो देखे होंगे उस बॉटल पे यही स्ट्रक्चर बना होता है। अब कभी आपने सोचा कि यही स्ट्रक्चर क्यों बना होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड रिलीज़ होती है, HCL, मतलब एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर एसिड रिलीज़ होती है, समझ में आया। अब पढ़ते हैं स्टमक के बारे में, एक तो स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टमक इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है ईसोफेगस जहाँ ज्वाइन कर रहा है, और जब स्टमक किसी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइन कर रहा है तो वहाँ पे भी स्फिंक्टर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी स्फिंक्टर लगा है, पहला स्फिंक्टर यहाँ है और दूसरा स्फिंक्टर यहाँ है, व्हेन द स्टमक विल ज्वाइन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है। नाउ द व्हेन द फूड कम्स इन द स्टमक, द फूड स्टमक में आ जाता है तो इट रिमेन 4 to 5 आवर, 4 to 5 आवर तक स्टमक यहाँ पे रहता है, फूड यहाँ पे रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम के लिए जो फूड का स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है, क्लियर है। और वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने फूड खाया है, आपने मतलब मीट खाया है कि आपने वेजिटेरियन फूड खाया है कि आपने ऑयली फूड खाया है, वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो फूड वहाँ पे रहेगा, क्लियर है। अब जब व्हेन द फूड विल स्टोर इन द स्टमक देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, द इंटरनल वॉल ऑफ द स्टमक, जो इनर वॉल होती है स्टमक की, ठीक है, जो इनर वॉल होगी स्टमक की, जैसे ये स्टमक है तो इसकी जो इनर वॉल होगी, इनर वॉल मतलब ये, जैसे मैं पेन दूसरी ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो जो इनर वॉल है ये, जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इनर वॉल है स्टमक की, तो जो इनर वॉल होगी स्टमक की दैट विल हैव द गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहाँ पे एक ग्लैंड लगी होगी जिसका नाम क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो ये स्पेसिफिक कोई ग्लैंड नहीं है, मतलब इसको हम स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द वॉल, स्टमक की जो इंटरनल वॉल है वो मॉडिफाई हो गई किसमें, एज अ ग्लैंड, तो इसीलिए हम इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड तो बुला रहे हैं, बट ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्लैंड नहीं होती है, ठीक है। नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो क्या सेक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करती हैं, एंड द फूड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस। एक्चुअली स्टमक में एक चर्निंग मूवमेंट भी होती है, जैसे चक्की में मतलब कोई चीज़ मिक्सर में मिक्स होती है कोई चीज़ें, ऐसे ही स्टमक में भी एक चर्निंग मूवमेंट होती है, दैट चर्निंग मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मिक्स द फूड, फूड को किसके साथ मिक्स कर देता है, इट मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज़ कर रही है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ कर रही है, और उस गैस्ट्रिक जूस के साथ कौन मिक्स हो जाता है, फूड मिक्स हो जाता है प्रॉपरली, समझ में आया, ठीक है। जब फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो उसका अच्छे से डाइजेशन हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रीट कर रही है, गैस्ट्रिक जूस 3 लीटर इन अ डे, एक दिन में अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली है, 2 लीटर भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 अंडर द 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करती है। अब देखो गैस्ट्रिक जूस का क्या क्या कंपोजिशन होता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लगा भी रखा है, ठीक है, ये ईसोफेगस का है, नोट कर लेना। इन द गैस्ट्रिक जूस फर्स्ट वन इज़ पेप्सिन, सेकेंड वन इज़ HCL एंड थर्ड वन इज़ म्यूकस, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला मैंने क्या बताया, पेप्सिन। अब देखो पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन इज अ एंजाइम, इज एन एंजाइम, ठीक है। एंजाइम रिक्वायर अ पर्टिकुलर pH, एंजाइम को जो है वो पर्टिकुलर एसिडिक मीडियम में अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है टू बिकम एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिव होने के लिए उनको स्पेसिफिक pH चाहिए होता है। जैसे माउथ में कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी एमाइलेज, दैट रिक्वायर 6.8 pH, कहीं नोट कर लेना, कितना pH चाहिए एमाइलेज को, 6.8 pH चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द पेप्सिन, अब देखो पेप्सिन को देखो, ठीक है, पेप्सिन भी एंजाइम है, इट रिक्वायर 1.8 pH। अब बताओ 1.8 एसिडिक है कि बेसिक है, एसिडिक है, हाईली एसिडिक है,
व्हेन इट विल गेट द एसिडिक मीडियम, व्हेन इट विल गेट द 1.8 pH, तभी इसका एक्टिवेट होगा, तभी ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट मतलब तभी ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज ये डायरेशन में हेल्प नहीं कर सकता। समझ में आया? ठीक है, जैसे आप पापा से कहते हो, पापा हम पापा आपसे कहते हैं अगर तुम बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे तब तुम्हें ये देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पापा आपसे बोल दें, ठीक है, या आप पापा से बोल दो कि पापा हमें ये वाली पेन दे दीजिए तो हम बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, तो वही हाल पेप्सिन का भी है। अभी पेप्सिन क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, तो उसको कितना पीएच चाहिए, 1.8 पीएच चाहिए, तब ये एक्टिव हो जाएगा और ये तब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई इसको ये मतलब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन कराएगा, HCl, जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, दैट इज़ व्हाट, HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, तो इट विल प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन, और पेप्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एंड व्हेन द पेप्सिन विल एक्टिवेट, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो पी फॉर पेप्सिन एंड पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन, ट्रिक है, प्रोटीन का डायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? मतलब इफ देर इज नो सेक्रीशन ऑफ HCl, देर विल बी नो डायरेशन ऑफ द प्रोटीन इन द स्टमक। वाई, आई गेव यू द रीज़न, मैंने आपको रीज़न बता दिया। क्लियर है, तो HCl का क्या रोल है, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, सेकेंड अगर कोई भी एसिड है, ठीक है, तो दैट इज़ एंटी बैक्टीरियल ऑल्सो, वो माइक्रोब को भी किल कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन सो दैट द पेप्सिन गेट एक्टिवेटेड एंड पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। नेक्स्ट है म्यूकस। अब देखो एक प्रॉब्लम और आएगी कि अगर इफ़ यू जस्ट पुट योर हैंड इन द स्टमक, अगर आप एसिड में अपना हाथ डाल दो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, सर कहोगे लो हमारा ही हाथ जलाना था। मैं जलाना नहीं चाहता, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपका आपकी स्किन पे एसिड पड़ जाए तो आपकी स्किन जल जाती है। सोचो हमारा स्टमक जो है गैस्ट्रिक मतलब HCl से, HCl तो इसमें सेक्रेटरी होते रहता है, तो स्टमक की जो इंटरनल वॉल है, जो इंटरनल वॉल है वो भी क्या हो जानी चाहिए, जल जानी चाहिए। ये जल गई लो, ठीक है, जल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो स्टमक की इनर वॉल है वो प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, और कौन प्रोटेक्ट करता है उसको, म्यूकस, म्यूकस जो सेक्रीट होता रहता है, तो वो एक्शन HCl के एक्शन को, मतलब HCl के जो इफेक्ट हैं स्टमक के इनर वॉल पे, उसको कम कर देता है, आउटर वॉल पे नहीं। कभी भी आंसर लिखना तो ये बहुत केयरफुल रहना कि इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है, आउटर वॉल को प्रोटेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। क्लियर है, तो इस तरह से म्यूकस का फंक्शन समझ में आ गया, और एक फंक्शन तो आपको म्यूकस का पता ही है कि ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। क्लियर है, तो इस तरह से स्टमक क्लियर हो गया। ठीक है, मैं ये इसी पार्ट तक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आज इस क्लास में, टुमारो आई विल फिनिश दिस पार्ट, ये तो कल जो है ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपको भी टाइम मिल जाए जो रिवीजन करने का, और जो भी टॉपिक मैंने इसके पहले भी बता रखा है, ठीक है, इसके पहले भी जो टॉपिक पढ़ा रखा है उसको प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिए, अपने आप को अपडेट ज़रूर करते रहिए। जैसे आप सेलफोन में आप सॉफ्टवेयर रखते होंगे, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो मोस्टली आप देखते होंगे हर 15 या 20 डेज़ के इंटरवल पे आ जाता है नोटिफिकेशन, अपडेट योर एप्स। ठीक है, तो आपको भी अपडेशन की नीड है, अगर आप डेली अपडेट नहीं करोगे तो यू विल बी आउटडेटेड, आप आउटडेटेड हो जाओगे। क्लियर है, ठीक है, तो वी आर एंडिंग दिस सेशन। ठीक है, आई थिंक यू आर एंजॉयिंग दिस सब्जेक्ट, आपको बहुत एंजॉय आ रहा हो, मतलब एंजॉय कर रहे होगे सब्जेक्ट को, और एंजॉय करना भी चाहिए, और उस एंजॉयमेंट को बनाए रखने के लिए अपनी क्यूरोसिटी बढ़ाइए। ठीक है, और अपने सराउंडिंग से बायोलॉजी को पढ़िए, जैसे मैंने अभी आज देखो कितनी चीज़ें बताई कि आप टेबल पे बैठे हो, स्वेलो करके देखो, अपने हैंड को यहाँ ले जाके रखो, ठीक है, शुगर को चीनी को ऐसे ही खा के देखो, फिर अपनी नोज़ बंद करके चीनी को खा के देखो। ठीक है, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ सब्जेक्ट को, मैं चाहता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट को समझने लोगो, जिस दिन आप इस सब्जेक्ट को अपने को रिलेट करने लगोगे अपनी लाइफ एक्टिविटीज से, अपनी डेली एक्टिविटी से, उस दिन ये सब्जेक्ट मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। समझ में आया? ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और टुडे इज़ अ अर्थ डे, जैसे मैंने अभी बताया, टेक अ प्लेज, आप प्लेज लीजिए कि यू आर गोइंग टू सेव द अर्थ। ठीक है, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन। क्लियर, तो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड जस्ट मेंटेन योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट।